बैक इन 2010 मैंने अपना लाइफ का पहला डी कैमरा खरीदा और वो था कैन 500D उस कैमरे के साथ जो किट लेंस आता है 18 टू फिफ्टी उसके अलावा 55 टू 250 और एक अलग से मैंने लेंस बाय किया था दैट वाज फिफ्टी एम एम वन जो कि आज तक हैं सारे लेंसेज पर आज उसके साथ बैग भी लिया था जो कि आप अभी तस्वीरों में देख सकते हैं फेसबुक पर शेयर भी किया था एंड ऑफकोर्स वो एक फैसिनेशन होती है ना पहला कैमरा तो नो डाउट दैट वॉज लवली वीडियो फीचर बहुत घटिया था उसका नो डाउट घटिया से मुराद ऑटो फोकस उस वक्त नहीं था इतना अच्छा जितना अच्छा अब है उस सब के साथ मुझे एक ज़रूरत पड़ी थी ट्राईपॉड की और वो ट्राईपॉड था बहुत ही सस्ता वाला वो ट्राईपॉड आज तक मेरे पास है और इस वक्त इनफैक्ट ये वीडियो जो शूट हो रही है उसी ट्राईपॉड पर हो रही है नो no डाउट मुझे बहुत पसंद है ये मेरा फेवरेट है मैं शायद इसको कभी भी ना निकालूं जब तक के पूरी तरह से टूट ना जाए टूट चुका है थोड़ा बहुत द थिंग इज दैट कि मुझे शदीद जरूरत पड़ गई दूसरे ट्राईपॉड की और दूसरे ट्राईपॉड की ज़रूरत क्यों पेश आई क्योंकि कई मतबा में अगर इस तरह से शूट कर रहा हूँ तो मुझे इस पूरे सेटअप का अगर शूट करना है तो मुझे एक और ट्राईपॉड चाहिए होगा ट्राईपॉड मैंने लिया के एन एफ कॉन्सेप्ट ये है वो ट्राईपॉड और मैन कोई ट्राईपॉड है यार ये कोई ट्राईपॉड है सो so, इसको अनबॉक्स करता हूँ मैं इस ट्राईपॉड में कुछ खास फीचर्स हैं जो कि मुझे बड़े पसंद आए जिसकी वजह से मैंने ये लिया सो so, अनबॉक्सिंग में सिंपली डब्बा बड़ी अच्छी क्वालिटी का so, यार पता है क्या आई डोंट नो आप लोगों का मुझे नहीं पता लेकिन बहुत सारे लोग डब्बा संभाल के रखते हैं जस्ट बिकॉज कि उसको रीसेल करना हो कमा यार फेंक दिया करो so, मैं यूजली बॉक्सेस फेंक देता हूँ यार एनी ये तो क्या दिस हैज अ लवली कैरिंग केस क्वालिटी बहुत ही फिट है इतना चुना मुन्ना सा ट्राईपॉड आपको जो लग रहा है एक्चुअली इतना चुना मुन्ना है नहीं ये बहुत बड़ा सा हो जाता है नो डाउट कैरिंग केस बहुत एक्सेलेंट है इसका प्लस इसके अंदर हमें क्या मिला ये तो रहा ट्राईपॉड यूजर मैनुअल और एक एल की है और क्या है एक बेल्ट है जो अगेन अच्छी क्वालिटी का है यार ये आई माइट नॉट यूज दिस बट इट्स ऑलवेज गुड टू हैव समथिंग लाइक दिस सो इस ट्राईपॉड के जो फीचर्स हैं भैया वो है मज़ेदार से फर्स्ट थिंग कि ये अपसाइड डाउन फोल्ड हुआ हुआ है और ये होगा कुछ इस तरह से इसमें एक बड़ा मज़ेदार सा फीचर ये है कि एक ये वाला जो इसका लेग है इट हैज़ दिस फोम पैडिंग क्यों क्योंकि ये अलग हो जाता है और ये बन जाता है मोनोपॉड और इस मोनोपॉड को आप अलग से यूज़ कर सकते हैं एंड इनफैक्ट आप अगर आप ट्रैकिंग वगैरह पे भी जाते हैं ना तो वहाँ पर भी इसको यूज़ कर सकते हैं दिस इज क्वाइट लार्ज सी अगर मैं इसको पूरा खोल लूं, दिस इज क्वाइट गुड इसको वापस मैं लगा देता हूँ जो इंटरेस्टिंग और मज़ेदार से फीचर्स हैं वो मैं अब आपको अपने ट्रापॉट के दिखाना चाहूँगा क्योंकि वो ही एक्चुअली रीज़न थे जिसकी वजह से मैंने ये पर्टिकुलर ट्राईपॉट सेलेक्ट किया तो so ये है के एन एफ कॉन्सेप्ट और इसका जो मॉडल है वो मेरे ख़्याल से एस ए टू फाइव फोर टी टू मज़ेदार से फीचर्स जो हैं वो हैं ये एक तो ये सेंटर कॉलम यहाँ से आप लूज़ करके नीचे या ऊपर कर सकते हैं ये तो खैर कॉमन सी चीज़ है लेकिन जो मज़ेदार सा है सेंटर कॉलम वो है ये वाला यहाँ पर आपके पास एक तो ये वाली नॉब दी हुई है इस नॉब में अगर आप लूज़ करते हैं तो यहाँ से आप इसको घुमा सकते हैं अपार्ट फ्रॉम दिस यहाँ ऊपर इसका एक और ये है जो कि क्या कहलाता है फ्लूड हेड यस फ्लूड हेड जो कि आप कैमरा लगा करके इसको लूज़ करें तो ये बहुत ही फ्लूड मूवमेंट में आपको मोशन दे रहा होता है जो कि पैनिंग वगैरह के लिए काम आती है एंड अदर दैन दिस यहाँ पर आपके पास दिया हुआ है बॉल हेड जो कि आप अपना कैमरा टिल्ट करना चाहें एंड इवन राइट एंगल या वर्टिकल वीडियो के लिए या वर्टिकल फोटोज के लिए यूज करना चाहें कर सकते हैं इसकी जो प्लेट है ये ऊपर से आर्कसोज कम्पैटेबल प्लेट है Which is good, और प्लस यहाँ ऊपर एक छोटा सा बबल लेवलर दिया हुआ है बहुत छोटा सा एक्सीलेंट फीचर जो है अभी तक के ये नॉर्मल ट्रेपॉर्ड लग रहा था अब अब नॉर्मल फीचर देखें ये वाला है सेंटर कॉलम और ऊपर होता है जिसको आप टाइट कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर बात खत्म नहीं होती बात खत्म होती है यहाँ पे इस सेंटर कॉलम को आप टेंट कर सकते हैं so, सो इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूं ताकि आपको यहाँ दिखा सकूं। अब ये दो काम दे सकता है नंबर वन कि अगर आप पैनिंग करना चाह रहे हैं तो इस तरह से पैन कर सकते हैं एंड अदर देन दिस आपको टॉप डाउन शॉट्स लेने हैं अगर सो so, आप इसको ये भी कर सकते हैं कि इसको अंदर की तरफ लेकर आ जाए और अपना टॉप डाउन शॉट मतलब इस तरह से कि आप अपना कैमरा इस पर लगाएं और ऊपर से नीचे अगर कोई चीज़ वर्टिकली शूट करनी है ऑफ कोर्स कर सकते हैं ये जो इसके लेग्स हैं इस लेग्स में यहाँ पर एक ये क्लिप दिया हुआ है जिसको पकड़ करके आप मजीद फैला सकते हैं मतलब ये बहुत ज़्यादा नीचे डाउनवर्ड्स की तरफ जा सकता है सो आई होप आप लोगों को यार ये छोटा सा ट्राईपॉड पसंद आया होगा इट इज़ काइंड ऑफ नेसेसरी फॉर फ्यू प्रोजेक्ट्स कुछ प्रोजेक्ट्स uh, मुझे करने थे उसके लिए मैंने खास ये लिया है क्योंकि मुझे वो टॉप डाउन वाला फीचर ज़रूरी था आई नो वैसे तो अगर टॉप डाउन पूरी रेग हम बनाते हैं वो एक अलग चीज़ है तकरीबन ये मुझे जो ट्राईपॉड पड़ा है इसकी कीमत 15,000 पंद्रह हज़ार पाकिस्तानी रुपीज़ यार एक तो एक और चीज़ यार ये जब भी मैं पैसे बताता हूँ ना तो एक अजीब हंगामा बच जाता है कि सर महंगा ले लिया ये ले लिया भैया बात सुनो आ ये ट्रापॉड है आपको मार्केट से सस्ता मिलता है तो यार वेल एंड गुड भाई मैंने पंद्रह हज़ार का लिया और हो सकता है आपको ज़्यादा सस्ता मिल जाए पंद्रह हज़ार पाकिस्तानी एक और चीज़ यार ये इंडिया में और बांग्लादेश में और जो भी जहां जहाँ पर भी है आप लोगों को करेंसी कन्वर्जन का कुछ आई थिंक थोड़ी बहुत नॉलेज होगी यार थोड़ा सा गूगल कर लिया करो पाकिस्तानी रुपीज वर्सेज इंडियन रुपीज़ देर इज़ अ बिग डिफरेंस ठीक है सो so, डॉलर्स में मैं प्राइस बताऊँ तो कोई फायदा ही नहीं है सो यस आई होप अच्छा लगा होगा इंशाल्लाह इससे जो कुछ बनाऊंगा वो आगे आने वाली वीडियोस में डेफिनेटली आप लोगों को पता चलेगा कुछ टॉप डाउन शॉट्स के लिए खास ये लिए थैंक यू टेक केयर आते रहेंगे दोबारा फिर मिलेंगे इंशाल्लाह